अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, स्कूल वगैरह सब क्लास वगैरह हम लोग का ख़त्म हो चुका है। सब करने के बाद हम लोग निकले थे, लेकिन वर्षा को पहले स्कूटी में तेल डालना था क्योंकि तेल है नहीं स्कूटी में। उसके बाद वर्षा को निकलना है शॉपिंग के लिए और शाम भी काफ़ी हो चुका है, तो बस यहाँ से हम लोग तेल भरा लें उसके बाद निकलते हैं। ये देखिए सूरज कितना मतलब पूरा डूबने वाला है ना, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग आकर के ये उड़िया गांव पे नया मतलब पेट्रोल पंप बन रहा है। उसके बाद हम लोग आकर के पहुँचे, बस पहुँचने ही वाले हैं नौगांव। ये देखिए अचानक से मौसम ऐसा हो गया कि हम लोग को समझ ही में नहीं आया कि हम लोग करें तो क्या। इतना बारिश, फिर हम लोग गए नहीं। और ये हो गया नेक्स्ट डे, आज एग्ज़ाम का लास्ट डे था, बच्चों की छुट्टी हो गई और स्कूल में टीचर्स के लिए मतलब खाना का प्रिपरेशन किया हुआ था, तो सब कोई खाना के लिए रेडी हो रहे हैं। पता नहीं, हम लोग जा रहे थे रास्ते में, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हुआ है क्या, पता नहीं इतना भीड़ लगा हुआ था, समझ ही में नहीं आया कि क्या हुआ है। तो छोड़ो, हम लोग अपने रास्ते जाते हैं। ये हम लोग आ करके पहुँचे ओकिनावा। ये ओकिनावा का ये बैक साइड है, मतलब एक दो रास्ते हैं वहाँ से, तो ये हम लोग बैक साइड के जो रास्ते थे वहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। यहाँ हम लोगों ने ले लिया आइसक्रीम। कभी कभी होता है ना, इंसान मतलब एक सुनसान एक जगह पे जाकर के खाली बैठने चाहता है, पूरा मतलब वो शहर का चहल पहल जितना भी गाड़ियों का शोर है उस सब से। तो आज हम लोग, मेरा दिल मतलब हम लोग का भी दिन वैसे ही लग रहा था, तो फिर हम लोग फिर ऐसा जगह जा कर के बैठे कि जहाँ पर एकदम शांति हो, फिर यहाँ से निकले पहुँचे। फिर हम लोग नौगांव टाउन, और यहाँ पे पार्किंग के लिए एरिया ही नहीं मिल रहा था कि हम लोग पार्किंग कहाँ करें। और फिर वर्षा को शॉपिंग भी था यहाँ पे, वो फिर सैंडल पसंद कर रही है, उसे ये सैंडल पसंद तो आ गया, लेकिन भैया इतना दाम बता रहे हैं कि कोई हद नहीं है। यहाँ पे हम भी एक अपना सैंडल देख रहे हैं, लेकिन मतलब ये बहुत फ्लैट है, और मेरा क्या है ना कि अगर एकदम फ्लैट पहनते हैं तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है। और ये पर्पल वाला जो कुर्ता आप लोगों ने मेरे पास भी देखा होगा ना, तो ये मेरे पास भी कुर्ता था, सेम वही कुर्ता फिर इसने भी लिया, बोला नहीं हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, इसका पागल वाला बात है सिर्फ। उसके बाद मुझे अम्मी कितना दिन से चिल्ला रही थी कि हाँ मेरा ब्लाउज नहीं है, तुम ब्लाउज नहीं लेके आती, ये वो चिल्ला ही रही थी, तो फिर हम बोले नहीं जाते हैं अम्मी के लिए ब्लाउज ले ही लेते हैं। तो फिर हम गए अम्मी के लिए ब्लाउज लेने के लिए, फिर वर्षा को भी याद आई कि उसे भी उसकी माँ के लिए ब्लाउज लेना है। तो फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने, हमने अपनी अम्मी के लिए, उसने अपनी माँ के लिए ब्लाउज लिया। ये कॉटन का अम्मी को चाहिए था, अम्मी को वैसे मतलब प्लेन में चाहिए था, बट मुझे इस बार था कि नहीं हमको ये वाला अम्मी को मतलब पहनवाना है, क्योंकि अम्मी ये वाले पहनती नहीं है, बट इस बार अम्मी को देंगे पहनने के लिए। बड़ा साइज है ना। यहाँ पे लेगिंग्स देख रहे हैं, लेगिंग्स भी, और वर्षा इतना लंबी है उसको कोई मतलब उसके साइज का लेगिंग्स ही नहीं समझ में आता है। एक कुर्ता ये वाला अच्छा लग रहा है, ले ही लेते हैं ये वाला कुर्ता। यहाँ पे हो गया है हम लोग का पेमेंट, ये भैया पेमेंट करे, उसके बाद अब खाते हैं हम लोग पुचका वगैरह खा करके यहाँ से अब निकलते हैं। अच्छा आप लोगों को पता है यहाँ पे ना नौगांव पे पिज़्ज़ा हट नया खुल गया है, बारबेक्यू के सामने या बारबेक्यू के नीचे ही शायद, मुझे इतना ध्यान। बस सारा काम ख़त्म करके अब हम लोग निकलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।